नमस्ते दोस्तों। अगर आप ऐसे गाउन बनाना चाहते हैं जो कई तरीकों से पहने जा सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का सस्टेनेबल क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना कैनकैन के कैसे इस खूबसूरत गाउन को बनाया जाए। कैनकैन किसी भी ड्रेस को बहुत ही भारी कर देता है। अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं तो आसानी से इस गाउन को कैरी किया जा सकता है और बहुत ही लाइट वेट फीलिंग है इसकी। बहुत ही हल्का है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये गाउन कब कब बना सकते हैं आप? जब आपकी नेट के कपड़े के नीचे डिजाइन हो, तब आप उसे सर्कुलर नहीं काट सकते हैं जैसा हम नॉर्मली एक सर्कल स्कर्ट काटते हैं। इसमें कैनकैन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और मैंने ज़्यादा लेयर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी इसका जो उगाव है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जितनी ज़्यादा कलियाँ इस तरह के पैटर्न में डालेंगे उतना ज़्यादा ये उगेगा और एकदम प्रिंसेस जैसे लुक आ जाएगा। तो जो बॉल गाउन्स में उगाव होता है ना, उससे भी बढ़िया उगाव इस तरह के ड्रेसेस में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला कपड़ा जिसपे चिन्ह बना हुआ है, ये मेरा सबसे अंदर का लेयर है गाउन के, जिसपे हम बिठाएंगे अपनी बोनिंग पट्टी। और बोनिंग पट्टी सिर्फ इसी पे बैठेगी और बाकी जो आपको अभी जो मैं काट रही हूँ, ये लाल कलर का जो मेन अस्तर है रॉ सिल्क का, वो और जो हमारा नेट वाला जो कपड़ा है वो, उन दोनों पे बोनिंग पट्टी नहीं बिठानी है। उन दोनों को एक साथ सील के इस बोनिंग पट्टी वाली लेयर पे सील देना है। कुल मिला के हम 3 लेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहली लेयर में रहेगा बोनिंग पट्टी, दूसरी लेयर जो है मेरी ये जो लाल रॉ सिल्क की है वो, और तीसरी लेयर हो गई मेरी नेट की। अगर आपके पास बड़े अरज का कपड़ा हो तो आप क्रॉस में भी काट सकते हैं, और क्रॉस में अगर कपड़ा नहीं काट पाए तो ये इस तरह से एक कोने में रख के काट ले तो भी थोड़ा क्रॉस एंगल आ जाता है, जिससे आपको जो बोनिंग पट्टी है वो सिलने में आसानी हो जाती है। जितना ज़्यादा वैसे क्रॉस कपड़ा रहेगा उतने अच्छे से वो बोनिंग पट्टी खींच के लग जाती है। अब ये मैं अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर जो नेट की थी वो काट रही हूँ। इस वाले स्टेप में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो हाइट है गाउन की, आपको रेडी हाइट के हिसाब से लेनी है। आप सबसे पहली लेयर जो नेट की है उसमें मार्जिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम इस लेस वाली फैब्रिक की शेप को ख़राब नहीं करना चाहते। इसका जो आकार है हम वही रखने वाले हैं। तो जो रॉ सिल्क वाली पट्टी है वो जब इस अस्तर वाली पट्टी के साथ मिलेगी तो ऑलरेडी फोल्डिंग बन जाएगी, तो बच जाएगा हमारा बाहर का जो नेट का कपड़ा है वो। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से बोनिंग पट्टी बिठा ली है, गोल गोल जैसा आपको दिख रहा है ना। आप जितना उसको चांद की तरह खींच के गोल बिठाएंगे उतना ये गोल मुड़ेगा। अगर आप सीधा बिठा देंगे तो उसमें वो फोल्ड्स ही नहीं आएंगे, वो जो मुड़ाव दिख रहा है आपको। और बस इस ड्रेस की यही एक सीक्रेट है। और इस तरह से सारी कलियों को आपको जोड़ देना है एक एक करके, और ये हमारा गाउन पूरा हो गया है। इतना खूबसूरत फुगाओ बिना कैनकैन के। कुल मिला के 8 कलियाँ डाली हैं और फिर भी इसका उगाव इतनी खूबसूरती से आया है। आप चाहिए तो इसमें 12, 16 जितनी आपकी मर्जी है, जितना आपको उगाना है गाउन को उतना आप इसमें कलियाँ डाल के और उस हिसाब से उसका नाप लेके बना सकते हैं। इस गाउन को पाइप गाउन भी कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो ये उन वक्त के लिए सबसे अच्छा है जब आप कुछ भी भारी नहीं पहनना चाहते, और जैसे अभी गर्मियों का मौसम है और आप भारी गाउन्स नहीं पहनना चाहते हैं तो आप बिना कैनकैन के ऐसे गाउन भी बनवा सकते हैं। इस चैनल पे मेरी जो तस्वीर है आप उसे क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है आप उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो ग्रे बन जाएगा, यानी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। धन्यवाद।